वही खबर में आगे बढ़ने से पहले प्रदेश के मुखिया का विधानसभा के अंदर दिया गया ये बयान आपको सुनाते हैं। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिला सम्मान और सुरक्षा के प्रति लगातार सजग है। इसका जीता जागता उदाहरण राजधानी का गोमती नगर है, शायद ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में झांसी से एक ऐसा मामला निकल कर सामने आ रहा है जिसे देखने के बाद आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम आपको महिला की निजता का हवाला देते हुए वीडियो को स्पष्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इस वीडियो में क्या है वो जरूर आपको बता सकते हैं। एक महिला अपने बेटे के साथ झांसी के सबसे व्यस्त बाजार सर्राफा बाजार में किसी खरीदारी के उद्देश्य से गई थी, लेकिन गाड़ी खड़ी करने को लेकर दुकानदार से विवाद हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि दुकानदार ने महिला और उसके बेटे को पीट दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, उसको थाने में अपमानित भी किया गया। हम आपको फिर से बता दें, आपको हम तस्वीरों में स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इससे महिला की निजता जुड़ी हुई है। किसी तरीके से व्यापारी संगठन के नाम पर पुरुषों का एक गुट महिला को थाने में मजबूर कर रहा है माफी मांगने के लिए। इस दौरान महिला ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। वहीं जब महिला ने मना किया तो उक्त व्यापारियों के ग्रुप ने उस महिला को फर्जी फंसाने की धमकी दे डाली। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त महिला के साथ ये पुरुषों का कथित व्यापारी गैंग बदसलूकी कर रहा था, उस वक्त आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं थाने के अंदर खाकी की चहलकदमी भी जारी थी। लेकिन मजाल है किसी ने भी इन लोगों को रोकने का काम किया हो। जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिला संबंधित अपराधों पर बेहद गंभीर हैं, वहीं पर झांसी का ये थाना कोतवाली प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला संबंधित अपराधों पर की गई कार्रवाई का मखौल उड़ाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, व्यापारियों के संगठन से थाना इस कदर सहमा हुआ है कि महिला बिलख बिलख कर रो रही है और संबंधित थाना भी व्यापारियों के पक्ष में आकर समझौते के लिए दबाव बनाने में लगा है। आखिर मरती क्या ना करती वाली स्थिति में आकर महिला दबाव में आ गई और उसने रोते हुए व्यापारियों के इस दबंग गुट से माफी मांग ली। क्या अब जिले के एसएसपी स्वतः इस मामले को संज्ञान लेकर बड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार करने में अक्षम पाए जाएंगे।